साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। अभी आपको ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं साथियों, ये रेलवे स्टेशन की है। ये व्यक्ति है जो लॉकडाउन में लगातार, पहले भी लॉकडाउन में इन्होंने चाय बिस्किट की सभी पुलिस जवान और आने वाले हर व्यक्ति के लिए सेवा की थी। अभी भी ये रेलवे स्टेशन पर सुबह शाम दो वक्त आते हैं पुलिस के जवान। दूसरे कोई व्यक्ति उनको चाय पिलाते हैं, पुलिस के जवानों को तो विशेषकर चाय और नाश्ता देकर जाते हैं। इनकी करीबन 5-7 दिन हो गए, इनकी सेवा लगातार चल रही है। अभी यहाँ पर करीब 20 पुलिस के जवान खड़े हैं, उनको चाय पिलाई है उन्होंने, चाय और बिस्किट का नाश्ता दिया है। चाय और बिस्किट का इन्होंने नाश्ता लिया है। ये देख लो, चाय डाल रहे हैं। लगातार 20 दिन से इनकी सेवा चल रही है चाय पिलाने के लिए। इनसे बात भी करेंगे, इनका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, नाम बताओ, नाम क्या आपका? घनश्याम खत्री। घनश्याम जी खत्री, कहाँ रहते हो सर आप? बाड़मेर में। अब पिछले लॉकडाउन में भी आपने चाय पिलाई सेवा की थी? अब आपको कितने दिन हो गए यहाँ आते हुए? हमेशा लॉकडाउन चालू हुआ है। कितने मतलब सुबह शाम दो वक्त आते हो? कितनी चाय बना के लाते हो? हैं मतलब कितनी? लगभग 100 कप बना के लाते हो। और साथ में क्या लाते हो नाश्ते में? पानी और बिस्किट। बिस्लेरी पानी होता है साथियों, और बिस्किट साथ में होता है। ये लॉकडाउन में लगातार यहाँ आने जाने वाले हर व्यक्ति और पुलिस के जवान के लिए विशेषतर ये चाय और बिस्लेरी पानी और बिस्किट का नाश्ता सुबह शाम भी दो वक्त लेके आते हैं। तो धन्यवाद मैं घनश्याम जी को देता हूँ। सर आपकी कितनी उम्र है? 63 साल के हैं घनश्याम जी। अगर दो वक्त पुलिस की सेवा, पुलिस के जवानों की सेवा करते हैं चाय पिलाकर, करीब 100 कप चाय लेके आते हैं हमेशा। अभी करीबन 5-7 दिन हो गए लगातार ये लॉकडाउन में आ रहे हैं चाय लेकर। तो मैं धन्यवाद कहूँगा इन खत्री जी को, घनश्याम जी को। करीबन यहाँ 20 जवान खड़े थे, उनको चाय पिलाई, इन्होंने नाश्ता करवाया बिस्किट का। और वैसे ये देख लो, ये साथ में बिस्किट होते हैं साथियों, और बिस्लेरी पानी होता है, बिस्लेरी बोतल, और ये बिस्किट और है जो अपनी पसंद के बिस्किट है, जो भी कोई ले बिस्किट। तो मैं धन्यवाद देता हूँ घनश्याम जी को बहुत बहुत। मैं भी चाय पीने का आनंद ले रहा हूँ।